घुमारवीं के कटहल के गांव करियाल में पहाड़ दरकने से हुई त्रासदी की रिपोर्ट शिमला से बिलासपुर उपायुक्त के पास पहुंच गई है, जिसमें राज्य भू वैज्ञानिक शिमला की टीम ने यहां पर हुई त्रासदी का मुख्य कारण पहाड़ी में पानी का अत्यधिक रिसाव बताया है। वहीं वैज्ञानिकों ने ये भी रिपोर्ट में साफ किया है कि उनके पास इस भूस्खलन को रोकने के लिए कोई विशेष तकनीक या फिर विशेषज्ञ नहीं है, जिसके लिए टीम ने उपायुक्त बिलासपुर राजेश्वर गोयल को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम से इस संदर्भ में बातचीत करने के लिए कहा गया है। जिनका कार्यालय चंडीगढ़ में स्थित है, ये वैज्ञानिक यहां पर ऐसी त्रासदी होने से पहले ही जिला प्रशासन को अलर्ट कर सकते हैं और यहां पर अगर फिर से जिला के कोई पहाड़ी का आधार कमजोर है तो उससे बचने व इसकी रोकथाम के बारे में बता सकते हैं। वहीं उपायुक्त बिलासपुर ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम को बकायदा एक पत्र भी लिखा है, जिसमें टीम को बिलासपुर का सर्वे करने के लिए उनसे समय मांगा। गौर हो कि बीते 18 अगस्त को यहां पर हुए भूस्खलन के कारण क्षेत्र के 7 परिवारों के 10 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से प्राथमिक सहायता के तौर पर आपदा ग्रस्त परिवारों को प्रति परिवार 40,000 रुपए की राहत राशि प्रदान की गई। वहीं गत दिन पहले ही 12,50,000 रुपए की राहत राशि भी स्वीकृत की गई। शिमला जिला के रामपुर उपमंडल मुख्यालय के नोगली स्थित गीता महिमा गौशाला एवं गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र में योग थेरेपी व प्राकृतिक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महायोगी एवं मार्शल आर्ट विशेषज्ञ स्वामी जीतानंद ग्वालियर व विश्व कीर्तिमान स्थापित करता ट्रिपल एवं गानवी के योग गुरु रंजीत ने लोगों को योग के टिप्स दिए। महायोगी एवं मार्शल आर्ट विशेषज्ञ स्वामी जीतानंद ने स्वयं द्वारा खोज की गई आसन प्रक्रियाओं से बीमारियां दूर करने के गुर बताए। उन्होंने बताया कि अभ्यंतर योग क्रिया व रीढ़ पीठ के दर्द के लिए विशेष आसन तैयार किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। इस शिविर में मुख्यतः गर्दन कमर व घुटनों के दर्द से पीड़ित रोगियों के जांच व उपचार किया जा रहा है, जिससे एक्यूप्रेशर विधि से भी मरीजों का इलाज किया गया है। इस शिविर में बतौर मुख्य अतिथि तहसीलदार रामपुर विपिन ठाकुर थे। उन्होंने बताया कि आज के इस दौर में योग और आयुर्वेद आवश्यक है। हमारी योग व प्राकृतिक चिकित्सा ही आज रोगों को पूर्ण रूप से ठीक भी कर रही है। विश्व कीर्तिमान स्थापित करता योग गुरु रंजीत त्रिगत बार्त व डॉक्टर अंकिता नेगी ने अपनी योग प्राकृतिक चिकित्सा मरम थेरेपी की सेवा दी। शिविर के दौरान गाय के गोबर व गोबर से बनने वाले प्रोडक्टों को भी जानकारी दी गई। इस शिविर के सफल आयोजन में महत्वपूर्ण योगदान पूर्व पार्षद ध्रुव शर्मा समेत गीता महिमा गौ अनुसंधान केंद्र के उमा दत्त बालकृष्ण अनिल चौहान टिक्कम सैनी दिनेश वर्मा पवन कुमार आदि मौजूद रहे। ग्वालियर से आए महायोगी एवं मार्शल आर्ट विशेषज्ञ स्वामी जीतानंद ने बताया कि गौशाला में लोगों को स्वस्थ रहने के टिप्स दिए। इस तरह के गुर देश भर में दे रहे हैं। खासकर उनके द्वारा खोज की गई अभ्यंतर क्रिया जिसमें 14 वेद बताए गए हैं, जो काफी लाभकारी साबित हो रहे हैं। इसके अलावा मार्शल आर्ट में आत्मरक्षा और सिद्ध योग साधना की तकनीक सिखा रहे हैं। विश्व कीर्तिमान स्थापित करता एवं ट्रिपल एच योग संस्था के रंजीत सिंह ने बताया कि नोगली के पास गौ सदन में योग प्राकृतिक चिकित्सा व योग थेरेपी का ज्ञान दिया गया है। लोगों को गौ सेवा और गाय के गोबर से आर्क कैसे बनते हैं उसके बारे में बताया गया। सोलन के कसौली छावनी में एयरफोर्स में तैनात कर्मचारी ने अपने ही हथियार से गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मिली जानकारी के अनुसार रात को जवान अपने कमरे में गया, कुछ ही देर में वहां से गोली चलने की आवाज आई। आवाज सुनकर सभी लोग वहां पहुंचे तो लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन कृष्ण नंदा चौधरी खून से लथपथ पड़ा था। तुरंत पुलिस को बुलाया गया और कृष्ण नंदा को अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन आरंभ कर दी है। मामले की पुष्टि करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसका सोलन के क्षेत्रीय अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मृतक की उम्र 24 वर्ष है और वह
गोमती त्रिपुरा का रहने वाला है। उन्होंने बताया कि इस घटना पर मामला दर्ज कर लिया है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर इस जवान ने आत्महत्या क्यों की है।